नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों हमने आपको पहले से ही बताया हुआ है, मार्केट की लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हमने आपको साफ साफ बताया था कि मार्केट में यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कौन सी साइड का? शॉर्ट साइड की पोजिशन का। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट के अंदर एग्जैक्टली जो हुआ वो क्या हुआ वो हम देख सकते हैं कि शॉर्ट साइड की पोजिशन में जो भी लोग रहे होंगे, ठीक है, तो उनको बड़ा पनिशमेंट मिला होगा। आप देख सकते हो मार्केट के अंदर जो हमने लेवल भी ड्रॉ करके रख रखा है आप लोगों के लिए, मार्केट उस लेवल के नीचे नहीं गया, ठीक है। किस दिन? कल के दिन जब मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो वहां पर आज कल का जो लो है 940 के आसपास का है और 935 का जो है हम लोगों ने आपको ऑलरेडी लेवल दिया रखा है। तो इस लेवल के आसपास काफी सपोर्ट लिया मार्केट ने, एक दिन, दो दिन, चार, 3 दिन, 4 दिन, तो लगातार 4 दिन से ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जा रहा था और हम लोगों ने आपको साफ साफ बोला था कि जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक आप बियरिश मत होना। और यहाँ पर एक और रीजन मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज भी दे देता तब भी आपको मार्केट केवल 100 पॉइंट का डाउन साइड का मूव दे सकता है। यहाँ पर जो डाउन साइड की जो अपॉर्चुनिटी है वो कम है, वो लेस है, तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो डाउन साइड का कम है। इसलिए आपको साफ साफ बोला था कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से शॉर्ट साइड का मत प्ले कीजिएगा और आप कोशिश कीजिएगा कि डिप मार्केट आए तो आप बाय करने की कोशिश करें। ये सब बातें हमारी हुई थी। कब हुई थी आप जाके चेक कर सकते हो, लास्ट वीडियो में हुई थी और लास्ट वीडियो के हिसाब से हम लोग शॉर्ट में नहीं होने चाहिए थे और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो किया। और ये मतलब अच्छी बात है कि मार्केट हमारे सारे मैक्सिमम 90 से 95% जो वीडियोस हैं उसको फॉलो करता है। तो आज फिर से हमारी मार्केट के एनालिसिस को मार्केट ने खुद फॉलो किया। हम देखते हैं दोस्तों आगे क्या हो सकता है। तो अभी जो है अभी हम शॉर्ट में नहीं है, पहली चीज। अब जो इमीडिएट लेवल है वो आप समझ लीजिए, इमीडिएट लेवल जो है 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास जो है 17,200 का है। तो जो भी लोग यहाँ से बुलिश होके बैठे हुए हैं एज पर अवर वीडियो, तो वो लोग एक बार तो कम से कम 17,200 के आसपास आके प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और वहां पे फिर वेट करिए, ठीक है। समझना, 17,200 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करो जो भी यहाँ से लॉन्ग करके गया है, फिर वहां पे वेट करो। वेट करना है किस चीज का? कि क्या वहां पर जो क्लोजिंग है, दिन की क्लोजिंग, डे की क्लोजिंग, वन डे की कैंडल की क्लोजिंग, क्या वो 17,200 के ऊपर हो रही है? इस चीज का वेट करो, ठीक है। 17,200 के ऊपर वो हो रही है क्लोजिंग या नहीं हो रही? अगर हो रही है देन इट इज गुड, वो बहुत बढ़िया होगा, फिर हम अपने अगले लेवल तक पहुंचेंगे 17,340 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे काम करना है? रेजिस्टेंस पहला जो है वो 17,200 का ही मिलेगा, इसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 17,342 का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको काम करना है और वेट जरूर करना है एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके, क्लोजिंग का वेट करना, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको ख्याल रखनी है। प्रिपरेशन के हिसाब से जो करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। बात कर लेते हैं फटाफट से हम डाटा पॉइंट्स की। तो डाटा पॉइंट्स, क्योंकि देखिए मंथली एक्सपायरी हो चुकी है इस वक्त, तो कोई भी बंदा पोजिशंस कोई भी कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जा रहा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ऑप्शंस में नई पोजिशंस जो बनेंगी वो फ्राइडे की सुबह सुबह बनेंगी। जो भी पोजिशंस बिल्ड होंगी वो मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा, जो कि जिस चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं वहां पे डालता हूँ, इंपॉर्टेंट अपडेट डालता हूँ लाइव मार्केट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। तो वहां पे आप जाके हेल्प ले सकते हैं, वहां पे कोई टिप्स नहीं मिलेगी लेकिन आपको लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट डाटा किस तरीके से चल रहा है वो उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो भी पोजीशंस बनेंगे ऑप्शंस में बड़े प्लेयर की वो मैं वहां पे अपडेट कर दूंगी, कॉल राइटिंग जो होगी या पुट राइटिंग जो होगी मैं वहां पे आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरी चीज एक और है कि यहाँ पर अदानी के अंदर जो ब्लॉक डील हुई थी FIIs के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो 12,500 करोड़ की हुई थी इस महीने। अगर आप देखेंगे तो अभी FIIs जो है वो नेट बायर नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 10,000 करोड़ का उनका नेट बाइंग निकल के आई है अभी तक और उसमें से 12,500 करोड़ का केवल एक ही स्टॉक में है। तो अगर उस एक स्टॉक की बाइंग को अगर आप हटा दोगे तो नेट बेसिस के ऊपर वो 2,500 करोड़ रुपए नेगेटिव में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इक्विटी के अंदर जब तक बाइंग नहीं आएगी, याद रखना, इक्विटी के अंदर जब तक बाइंग नहीं आएगी किसकी,
एफआईआईज थी, तब तक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी रैली अपसाइड जो है एक्सपेक्टेड नहीं है। मेरी बात समझ गए? रिवाइव करना मार्केट का पॉसिबल ही नहीं है जब तक एफआईआई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इस चीज को ख्याल रखना। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। बात करते हैं फटाफट से आगे। तो यहां पर जो है इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी पोजीशंस नहीं है, इक्विटी भी अभी ओवरऑल नेगेटिव में एफआईआई का और ऑप्शंस में पोजीशंस नहीं है। बात कर लेते हैं फटाफट से ये वाली पॉइंट की। तो अभी जो है रिटेल ट्रेडर्स अपनी बुलिश पोजीशंस को काट रहे हैं, बुलिश पोजीशंस काटने की वजह से ही मार्केट ऊपर जा रहा है। जब तक ये बुलिश पोजीशंस अपनी काटते रहेंगे मार्केट ऊपर जाता रहेगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस डाटा पॉइंट के हिसाब से भी मार्केट में अभी अपसाइड बाकी है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यही है। और दूसरी एक और चीज कि यहाँ पर अभी जो पोजीशंस हैं, ठीक है, रिटेल की और एफआईआईज की, मैं आपको बता देता हूँ कि रिटेल ने अपनी सारी की सारी 20,000 की जो पोजीशंस थी, जो उनकी 20,000 और फ्यूचर्स की पोजीशंस थी बुलिश वाली, वो तो सारी की सारी उन्होंने प्रॉफिट में क्लोज कर दी है, कल के दिन ही क्लोज कर दी है। तो इस वक्त उनकी बुलिश पोजीशंस निल है, कोई भी पोजीशंस उनकी बुलिश पोजीशंस नहीं है एफआईआईज की। और इस वक्त उनकी जो पोजीशंस हैं एफआईआईज की शॉर्ट वाली ही हैं, और शॉर्ट वाली पोजीशंस का जो एवरेज है वो है 17,245 के आसपास, ठीक है। तो 245 से मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करे, 5,000 पॉइंट अगर जाए, तो ये मत समझना कि भाई ये लॉस में आ गए, क्योंकि ये लोग 5,000 पॉइंट का मतलब जाने देते हैं मार्केट ऊपर, वहां 200-300 पॉइंट के अंदर भी मार्केट को उनको फर्क नहीं पड़ता उनके अगेंस्ट में। लेकिन घुमा फिरा के बात केवल ये है कि इस वक्त जो होल्ड में पोजीशंस हैं एफआईआईज की, केवल और केवल शॉर्ट साइड की पोजीशंस हैं। तो मुझे क्या लगता है, मैं आपको पर्सनल अपना वोट दे देता हूँ, पर्सनल मेरे अपना आपको ओपिनियन बता देता हूँ। मुझे क्या लगता है, ये जो भी अपसाइड आ रही है ना, ये केवल और केवल मार्केट में इसीलिए आ रही है क्योंकि रिटेल अपने लॉन्ग पोजिशन जो उनकी हैवी वाली थी वो क्लोज कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई? जब ये लॉन्ग पोजिशन दोबारा से बनाना शुरू कर देगा, तभी यहाँ पर एफआईआईज अपनी बेयरिश पोजिशन को प्रॉफिटेबल लाएंगे। तो जब भी ये होगा, जिस भी दिन ये आपको सिग्नल मिलेगा वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, बट अभी क्योंकि वो अपनी लॉन्ग पोजिशन क्लोज कर रहा है रिटेल, इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि अपसाइड मार्केट को प्ले तो करो, लेकिन इस पर भरोसा मत रखो। क्या बोला मैं? अपसाइड मार्केट को प्ले तो करो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस रखो, ठीक है, लॉन्ग में आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, लेकिन हैवी क्वांटिटी से प्ले मत करना, लाइट क्वांटिटी से प्ले करना, और तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एफआईआईज जो है, हम एफआईआईज के अगेंस्ट में प्ले कर रहे हैं, समझे, हम एफआईआईज के अगेंस्ट में प्ले कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। जब मार्केट में रिटेल बंदे जो है वो लॉन्ग करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली फिर हम देखेंगे मार्केट को नीचे आता हुआ। तो अभी जो है मार्केट ऊपर जा रही है, क्यों जा रही है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रिटेल अभी लॉन्ग क्लोज कर रहा है। जब तक वो करता रहेगा लॉन्ग क्लोज, मार्केट ऊपर जाती रहेगी, और एफआईआई उस दिन का वेट कर रहा है। एफआई इज ओनली वेटिंग फॉर द रिटेल इस दिन का, जब वहां पर वो लॉन्ग क्रिएट करना शुरू करेगा। तो ये है डाटा पॉइंट्स अभी कह रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, देखते हैं। हमने आपको लेवल दे दिया है, कैसे प्ले करना है वो बता दिया है, हर चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है, लॉजिक के साथ। बैंक निफ्टी फटाफट से देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या चाहता है। तो बैंक निफ्टी सिंपल है, बैंक निफ्टी का यहाँ पर आपको पिछले लेवल के आसपास जो है वहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, जो कि है 40,000 के आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी की। अब 40,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, देख रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को, 40,000 का जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो आपको मार्केट 300 से लेके और 400 पॉइंट की एक एक्स्ट्रा रैली दे सकता है, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग होने के ना 40,000 के ऊपर, समझ में आ गया, 40,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो आपको मार्केट 300 से 400 पॉइंट का आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दे देगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। 17,200 जो है उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो 150 पॉइंट की एक्स्ट्रा रैली मिलेगी निफ्टी के अंदर। 40,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो 300 से 400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में एक्स्ट्रा रैली मिलेगी, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो दिस इज माय लॉजिक एंड दिस इज माय लेवल, और मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। तो अब बस यही था आज की वीडियो के अंदर। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।